तो राहुल गांधी के जीजा, सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका वाड्रा के पति यानी कि रॉबर्ट वाड्रा आज पिछले चार दिन में तीसरी बार ऐसा हो रहा है कि ईडी के दफ्तर पहुंचे हैं और वहां उनसे पूछताछ होनी है। ये मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है और सवाल जवाब लंदन की एक प्रॉपर्टी को लेकर है जिसके घेरे में रॉबर्ट वाड्रा है। 6 और 7 फरवरी को इनसे करीब 15 घंटे की पूछताछ हुई थी। करीब 40 सवाल उनसे पूछे गए थे। रॉबर्ट वाड्रा के वकील का दावा है कि सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं उन्होंने, लेकिन अगर ऐसा है तो आखिर वो कौन सा राज है जो ईडी जानना चाहती है जिसके लिए उन्हें तीसरी बार आज फिर से बुलाया गया है। कल कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने रफाल पर अधूरे तथ्यों के जरिए मोदी सरकार पर निशाना साधा था और इस मामले पर उन्होंने कहा था कि सरकार दरअसल घेरने की कोशिश कर रही है गलत चीजों को लेकर। इस जेल है, उसको कस्टोडियल इंटरोगेशन में लेना चाहिए। अभी मेरे ख्याल में लेंगे। ये लोग चोर का नाम तो यूज़ करते हैं जहाँ की कोई आरोपी नहीं है, वहाँ तो प्राइमा फेजी केस सिद्ध हो गया। जब तू इधर उधर की बात मत कर राहुल, तू सिर्फ ये बता कि जीजा ने कारवा कैसे लूटा। ये दोनों अपराधी, अपराधी नंबर 1 राहुल गांधी और अपराधी नंबर 2 उनके जीजा रॉबर्ट वाड्रा, कि जितनी भी एजेंसियां हैं ये अचानक एक्टिवेट हो गई हैं, इसकी पूरा सारा जो कारण सिर्फ यही है कि भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के चुनाव में जमीन सरकती नजर आ रही है। हिम्मत होनी चाहिए, जो सवाल करे उसका जवाब दे। इसमें यहाँ तो जिसके ऊपर, लालू जी के ऊपर होता तो वो कह देते कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। जांच एजेंसियों की निष्पक्षता पर संदेह करना उचित नहीं और ये हर दौर में होता आया है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के शासन काल में जांच ना हुई। तो आज चार दिन में तीसरी बार ऐसा हो रहा है कि रॉबर्ट वाड्रा से प्रवर्तन निदेशालय पूछताछ करने जा रहा है। करीब 15 घंटे ईडी वाड्रा से सवाल जवाब कर चुकी है पहले ही, क्योंकि वो तीसरी बार पूछताछ के लिए वाड्रा को बुलाया गया है और इसीलिए अब यहां पर बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या ईडी के सवालों पर टूटेगी प्रॉपर्टी पर खामोशी। बहस का सवाल ये भी है आज की पहले के 15 घंटे की पूछताछ में वाड्रा की जुबान बंद रही क्या, इसीलिए दोबारा बुलाने की जरूरत पड़ी। सवाल ये भी कि जिस तरह कल राहुल गांधी ने एक अधूरे जानकारी के जरिए रफाल पर सरकार को घेरा है, तो ऐसे में क्या ये पूरी कवायद सिर्फ रॉबर्ट वाड्रा को बचाने के लिए हो रही है। सवाल यहाँ पर यह भी है कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी पर भ्रष्टाचार का ग्रहण लगता दिख रहा है क्या, और बहस का आखिरी और बड़ा सवाल ये कि रॉबर्ट वाड्रा को लेकर कांग्रेस अपने ही घर में घिर गई है। तो ये तमाम ऐसे सवाल जो आज हम बहस में उठाएंगे एक एक करके। एक पैनल पूरा खास मेहमानों का मेरे साथ है। कौन कौन है मैं आपको एक एक करके बता देती हूँ। चारू प्रज्ञा है, बीजेपी की नेता, मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब्दुल रज्जाक खान पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही सीनियर जर्नलिस्ट आलोक मेहता जी भी मेरे साथ हैं, और जितेंद्र शर्मा मेरे सहयोगी न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो ताजा डिटेल इस खबर से जुड़ी हमें बताएंगे। आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे पहले जितेंद्र शर्मा, मैं आपके पास आना चाहूंगी। ईडी के दफ्तर पहुंच चुके हैं रॉबर्ट वाड्रा, तीसरी बार बुलाया गया है, पहले पूछताछ हो चुकी है, लेकिन आज की पूछताछ भी कई मायनों में महत्वपूर्ण है। क्या और डिटेल्स हैं आपके पास? शेरिन, देखिए, ये पूछताछ का सिलसिला लंबा चलने वाला है। आज तीसरी बार बुलाया गया है रॉबर्ट वाड्रा को पूछताछ के लिए। पहली बार गुरुवार को बुलाया गया था, फिर शुक्रवार को बुलाया गया था, बुधवार और गुरुवार को बुलाया गया था, और आज शनिवार को बुलाया गया है। और जो पूछताछ जो की जा रही है वो लंदन में जो प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि इससे पहले इनकम टैक्स ने जब रेड की थी तो मनी ट्रेल, जो मेल ट्रेल एक निकली थी जिसमें पता लगा था कि रॉबर्ट वाड्रा की एक प्रॉपर्टी है जो कि लंदन में है, जो कि संजय भंडारी के नाम से खरीदी गई है, उसको रेनोवेट किया गया है, और उसके बाद उसको वापस
बेच करके जो पैसा है वो रॉबर्ट वाड्रा के दुबई वाला जो अकाउंट है उसमें वापस पैसा भेज दिया गया है। इसके अलावा जब ईडी ने अपनी जांच की तो उसमें पता लगा कि ऐसी और भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज हैं जो कि लंदन में खरीदी गई है, जिसमें से दो घर हैं जिसकी एक की कीमत करीब 4 मिलियन है और दूसरे की कीमत करीब 5 है, उसके अलावा 6 फ्लैट है। और साथ ही जो मनोज अरोड़ा है जो कि सबसे अहम कड़ी है इस पूरे मामले के अंदर, जो कि रॉबर्ट वाड्रा के सेक्रेटरी भी थे और जो मेल ट्रेल जो रिकवर की गई थी उसके अंदर भी मनोज अरोड़ा और सुमित चड्ढा की आपस में बात हुई है, जो कि दोनों रॉबर्ट वाड्रा और संजय भंडारी के ब्याह पर बात कर रहे थे, उसको लेकर उन्होंने ये प्रॉपर्टी को लेकर के बात की थी। और जो पैसा आया गया था वो पेट्रोलियम डील और डिफेंस डील के जरिए जो पैसा आया गया था वो मनोज अरोड़ा के खाते में गया था और उस खाते से वो प्रॉपर्टीज खरीदी गई थी और उसके बाद अलग अलग तरीके से शेल कंपनीज के जरिए या फिर दूसरे तरीकों से वो पैसा बाहर भिजवाया गया था। ईडी ने अपनी जो जांच की है मनोज अरोड़ा से पूछताछ की है, उसके अलावा लेटर रिकॉर्डरी के जरिए विदेशों से जो प्रॉपर्टी की डिटेल्स है वो ईडी ने अपने पास मंगाई है। जो दस्तावेज और जो एविडेंस अब तक जुटाए गए हैं उन्हीं के आधार पर पूछताछ की जा रही है। अब तक जो जांच की गई है उससे ये पता लगा है कि जो प्रॉपर्टीज हैं उनके बेनिफिशियरी यानी जिस पे उनका हक है या फायदा पहुंच सकता है वो रॉबर्ट वाड्रा है। रॉबर्ट वाड्रा इन तीनों के बीच में यानी कि संजय भंडारी मनोज अरोड़ा दोनों के बीच की अहम कड़ी है, क्योंकि कड़ियां रॉबर्ट वाड्रा तक आके जुड़ती है। इन्हीं सब सवालों को लेकर के ईडी लगातार पूछताछ की जा रही है। अब तक करीब 15 घंटे की पूछताछ की जा चुकी है, आज भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। और ये बताना चाहूंगा शीरीन कि ये जो पूछताछ का सिलसिला है लंबा खिंच सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब रॉबर्ट वाड्रा दे नहीं रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं टालने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेकिन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश आज एक बार फिर से ईडी करेगी, देखना होगा कि क्या आज रॉबर्ट वाड्रा की जबान खुलती है। चारू प्रज्ञा, आप लोग कह रहे थे कि पूछताछ होगी तो सारी तस्वीर साफ हो जाएगी, कच्चे चिट्ठे खुल जाएंगे, लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं खुला, 15 घंटे बीत चुके हैं और आज तीसरी बार बुलाया गया है। शिरीन, आप एक बात ये देखिए कि ये जितने समय से सारी कार्रवाई चल रही है, अब तक जितने समन्स रॉबर्ट वाड्रा को भेजे गए हैं, रॉबर्ट वाड्रा ने किसी भी समन पर अब तक रिस्पॉन्ड करना जरूरी नहीं समझा, लेकिन अब जिस तरीके का एविडेंस ईडी के हाथ में आया है उससे रॉबर्ट वाड्रा भी अपने आप को इस तरीके से पा रहा है कि उसको कोर्ट मूव करना पड़ा, उसको एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करना पड़ा, इस वक्त वो एंटिसिपेटरी बेल पर बाहर है। तो ये बात तो पक्की है कि इस वक्त ईडी के पास जो इन्फॉर्मेशन है जिस बारे में वो पूछताछ कर रही है उससे रॉबर्ट वाड्रा खुद घबराए हुए हैं। एंटिसिपेटरी बेल की कंडीशन ही ये थी कि अब वो इन्वेस्टिगेशन में मदद करेंगे और इसीलिए वो जा रहे हैं क्वेश्चनिंग के लिए, क्योंकि आप अगर देख सकते हैं इनकी पूरी आप हिस्ट्री देखिए, जब भी समन्स आते हैं ये इग्नोर करते हैं। तो ये पक्की बात है इस रॉबर्ट वाड्रा डरे हुए हैं। राहुल गांधी को भी यह मालूम है कि रॉबर्ट वाड्रा पर जो कार्रवाई चल रही है वो उनके पूरे परिवार पर, उनकी पूरी पार्टी पर भारी पड़ने वाली है और इसीलिए वो आज एंटिसिपेटरी बेल पर बाहर है और जाकर रोज ईडी के दफ्तर में बैठे हुए हैं। आलोक मेहता जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, अब तक नहीं उगलवा पाई ईडी, क्योंकि ईडी ने दावा किया था कि उनके पास पुख्ता सबूत है, उनके पास कुछ ऐसी जानकारियां हैं जिससे वो इस पूरे मामले को खोलकर रख देंगे, लेकिन पिछले 2 सिटिंग में नहीं हो पाया और आज तीसरी सिटिंग। श्रीन जी, आप तो बहुत समझदार पत्रकार हैं। आप देखिए, इस तरह किसी भी मामलों में महीनों तक आदमी, तो कोई भी गुनाह करता है तो ये थोड़ी कहता है या गुनाह नहीं किया तब भी वो एकदम कहेगा मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। सो असली में समस्या ये है कि जो तथ्य हैं जो जुटाए गए हैं, और इसमें कुछ चीजें बेनामी हैं, कहीं किस कंपनी से कहां बैंक में ट्रांसफर हुआ, वो फोर्स के भी लिंक, आज तक वो पैसा नहीं, कुछ चीजें सामने आई थी लेकिन उसके बाद उतना नहीं निकल सका ना कि किसके हाथ में अंतिम पहुंचा पैसा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो ईडी को जो जो सूचनाएं इकट्ठी हुई है, ईमेल्स मिले हैं, जितने प्रमाण हैं, वो इनसे जब पूछा जाता है तो अभी तक जो सूचनाएं, देखिए हमारे आपको जो भी बताया गया है, सरकारी सूत्र, गैर सरकारी, खुद उनके वकील भी कहते हैं जी उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है, हमने कुछ नहीं किया है, इसीलिए उन्होंने पहले भी जमानत ली थी कि वरना ईडी ये कहेगी कि भाई ये कुछ कबूलने को तैयार नहीं, हम सामने कागज रख रहे हैं, कंपनियों के नाम बता रहे हैं, पैसे का इधर से उधर हस्तांतरण दिखा रहे हैं, फिर भी ये तो उसमें से कोई स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो हमको हिरासत में लेने के बाद शायद ये अपनी बात कबूल करें, चूंकि लिख करके मांगा जा रहा है। देखिए, सवाल जवाब इसलिए भी समय लगता है, बीच में यदि कोई लंच ब्रेक होता है तो वो भी छूट दी जाती है, चूंकि ये अभी उनको कोई जेल नहीं भेजा गया है और वैसे भी अदालती फैसला करेगी। देखिए, इस सबूत के बाद वो मान ले न माने तब भी अंततोगत, अभी 16 तारीख लगी है ना, जमानत उनकी 16 तारीख तक के लिए है, इसीलिए उन्होंने अंतिम जमानत जो मिली है उसके बाद फिर से अदालत में मामला जाएगा। सबूत होने पर और चारा कांड में, श्रीन जी मैं एक लाइन कहूंगा, चारा कांड सबसे पहले हम 90 में हमने छापा,
उसके बाद कितने साल बाद जाकर के सजा हुई, तो ये मत मानिए हम और आप टीवी में सोच सकते हैं भाई आज क्यों नहीं कल भेज दिया गया, आज ये या वो भी पूछते हैं कल क्यों नहीं तुम्हारे पास सबूत नहीं, भाई इतने लिंक जोड़ना लंदन से है कि अफ्रीका से पैसा आया, अफ्रीका भेजा गया, दुबई से तो कहां पहुंचा, वक्त लगेगा और पूछताछ करनी होगी। बेहतर ये है कि जैसे वो कहते हैं राफेल मामले में कि सारे कागज रख दीजिए, बेहतर ये क्यों नहीं है कि रॉबर्ट वाड्रा और उनके परिवार के लोग सब सामने रख दे, ये सब कुछ है हमारा अकाउंट, हमारी कंपनियां ये थी, अब देख लीजिए जो जुर्माना हो जो सजा हो दे दीजिए। चलिए मैं इसका जवाब लूंगी चारू प्रज्ञा से, लेकिन अब्दुल रज्जाक भी मेरे साथ हैं, पहले उनसे ले लेती हूं एक कमेंट। अब्दुल रज्जाक, इतना आसान ईडी के लिए तो नहीं है, लेकिन क्या खामोशी के जरिए निकल पाएंगे? खामोशी ही उनको एक रास्ता नजर आ रहा है क्या कि चुप रहिए सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी? शिरीन जी देखिए, दुनिया का दस्तूर है जब सूर्योदय होता है तो तब आपको जगना चाहिए, सूर्यास्त के समय आप जग जाते हैं तो उसको षड्यंत्र बोलते हैं। देखिए 5 साल इनके हाथ में थे, ये कुछ नहीं कर पाए, असल मुद्दों से छुपने के लिए आज ये रणनीति बनाई जा रही है 2019 के चुनाव के लिए। अच्छा। 2014 में भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते बोलते मोदी जी को, बीजेपी सरकार को बहुत चुनावी फायदा मिला था। मैं आपको बता दूं, दिसंबर 4 को क्रिश्चियन मिशेल को लाया गया था, कितनी सारी बातें की गई थी क्रिश्चियन मिशेल को लेते, 60 दिन हो गए आज तक एक अक्षर भी उनसे नहीं निकाल पाए, जो पेपर पे लिख लिए थे FAM AP R सिर्फ यही अक्षर निकाल पाए। तो कहीं ना कहीं ये झूठ की राजनीति करके कैसे भी करके 2019 में उस मेल के बारे में आप क्या बोलेंगे? मैं मान लेती हूँ आपकी बात की चुनाव से प्रेरित होकर जांच की जा रही है, एक बार को मैं मान लेती हूँ, फिर उस मेल के बारे में क्या बोलेंगे जो उस प्रॉपर्टी को लेकर इतना बखान उसमें किया गया था, किचन सेट हो गई है, वॉल पेंटिंग हो गई है, ये तमाम जानकारियां इतनी डिटेल्स में? देखिए मैं एक एक करके आपको गिना दे सकता हूं, आप ईमेल्स की बात करती हैं तो मैं जेएनयू के स्टूडेंट्स कन्हैया कुमार के ईमेल्स के बारे में पहले इस मामले की बात कर लेते हैं ना, कहा गया था उस मामले में तो हम बहुत चर्चा करते हैं, आज इस पर कर लेते हैं क्योंकि बात हम रॉबर्ट वाड्रा की कर रहे हैं। 3 साल के बाद में उन पर चार्जशीट डाली जाती है, देखिए बात तो समझ में तभी भी आती है जब आप पूरी बातों को मिला करके समझ जाए। कोलकाता की बात समझिए, जेएनयू की बात समझिए, बिहार शेल्टर होम्स की बात समझिए, कहीं ना कहीं बीजेपी में जो जुड़ जाते हैं वो पाक हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं, जो बीजेपी से हटकर ऑपोजिशन में रहते हैं ये पूरे भ्रष्टाचारी हैं। 3 साल ले लेते हैं कन्हैया कुमार के ऊपर सिर्फ एक चार्जशीट लगाने के लिए, पर सवाल उस पर भी उठा देते हैं आप लोग, चार्जशीट आप जवाब दीजिएगा खान साहब, अगर आप इस चार्जशीट की बात कर रहे हैं, मैं आपको एक बात बता देती हूं, जो हमारी पार्टी है ना वो दूसरों की गलतियों से सीख रही है, पहले भारत की हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि किसी के ऊपर उंगली उठाई गई है, उनको जेल भेज दिया गया है और बाद में समझ में आया है कि हमारे कोर्ट में रखने के लिए हमारे पास इनफ एविडेंस नहीं था। तो आज इस वक्त आप जो समय की बात कर रहे हैं, मैं आपको ये बता दूं वाटर टाइट केस बनाया गया है जिसमें आपकी तो कांग्रेस के घुमा घुमा के बात करने वाले वकील भी रॉबर्ट वाड्रा को बाहर नहीं निकाल सकते। पहले इस तरीके के कागज प्रिपेयर करने में समय लगता है और ये कागज कितने पक्के हैं, अब आपको इस बात से पता चल जाना चाहिए कि रॉबर्ट वाड्रा ने एक मिनट चारों पर क्या वो ये कह रहे थे कि चुनावों का फायदा आप लोग उठाना चाह रहे हैं, इसलिए इस मौके पर टाइमिंग को लेकर दरअसल वो सवाल उठा रहे हैं। टाइमिंग को लेकर जब समन्स होने चालू हुए हैं, मैं आपको याद दिला दूं ये तीसरा समन है और अब तक वो इग्नोर करते हैं, तो पहले समन में तो चुनाव नहीं थे, दूसरे समन्स में भी चुनाव नहीं थे, ये तीसरे समन्स पे वो गए हैं, तो ये तो जवाब हुआ आपके टाइमिंग को लेके। दूसरी बात ये है कि जब आपकी सरकार कांग्रेस की सरकार आ गई है राजस्थान में, उसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने उनको समन्स भेजे हैं, क्या वो भी चुनाव के हिसाब से भेज रहे हैं? राजस्थान हाईकोर्ट तो अपनी स्पीड से चलेगा ना, या कांग्रेस से पूछ कर चलेगा या बीजेपी से पूछ कर चलेगा? अच्छा श्री, एक फैक्ट मैं आपको और बता देती हूँ, ये रॉबर्ट वाड्रा के जो लिंक्स हैं, जैसा कि अभी सर हमको बता रहे थे, कोई भी क्रिमिनल जबकि आपकी बात सुन नहीं पाएगा कोई। एक सेकंड अब्दुल रज्जाक, मुझे 30 सेकंड दीजिए, आपके पास मैं आऊंगी जल्दी से जी। तो टाइमिंग का खान साहब मैंने आपको जवाब दे दिया, आई होप आपने सुन लिया होगा, क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट भी ना चुनाव के टाइमिंग पे चल रहा था और ना पहले दो समन्स चुनाव के टाइमिंग पे चले थे। तीसरी बात मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, जैसा कि अभी हमको सर बता रहे थे कि जब पूछताछ होती है किसी भी अक्यूज से, वो जाकर बैठकर ये नहीं बोल देता है कि हाँ मैंने गलती करी थी, ये जो ईमेल सारी पकड़ी गई है ये मैंने लिखी थी, जबकि वो उसके ऑफिशियल ईमेल अकाउंट से लिखी गई है, रॉबर्ट वाड्रा के एस्टैब्लिश्ड ईमेल अकाउंट से ये सारी ईमेल्स गई हैं। एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूं,
दुनिया भर की मीडिया ने ये सारी ट्रेल्स पकड़ना शुरू कर दिया था कुछ समय से। वॉल स्ट्रीट जर्नल तक में रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर एक आर्टिकल छपा था 2014 में। उस आर्टिकल्स का भी अगर आप निकाल कर आज रेफरेंस ले लें, ये सारा एविडेंस आज ईडी ने कलेक्ट कर लिया है। ठीक है, ठीक है आलोक सर, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन एक छोटा सा जवाब पहले जल्दी से अब्दुल रजाक आपसे। वो कह रहे हैं और ये पहले भी कहा गया है कि भाई चुनाव तो हर साल होते हैं, अगर ये अगले साल होता, उसके बाद किसी राज्य में चुनाव होता, तो आप लोग कहते कि इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है, इलेक्शन में फायदा उठाने के लिए किया जा रहा है, और ये तो कोर्ट का मामला है, कोर्ट ने उसके आदेश दिए थे, उसके बाद पूछताछ हो रही है, तो इसमें इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। शिरीन जी आप टाइमिंग देखिए, मैं आपको प्रूफ के साथ बोलता हूं, जब फाइव स्टेट्स के इलेक्शंस बिल्कुल बहुत करीब थे, जब 20 पर 7 दिन 27 दिन बाकी थे, तो रॉबर्ट वाड्रा जी का नाम उठाया गया। एक सेकंड, अरे लेकिन आपके चुनाव जीतने के बाद उनको हाईकोर्ट ने समन किया है, आप उस टाइमिंग पर क्यों नहीं जा रहे? आप चुनाव जीतना पड़ा ना अब्दुल रजाक, एक सेकंड, कोर्ट को ये कहना पड़ा ना कि भाई आप पहले पूछताछ में सहयोग करिए, जमानत मिली उसके बाद कहा कि आपको जाना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पर आ रहे हैं, पूछताछ हो रही है, पहले दिन तो 6 घंटे सहयोग किए, अब 9 घंटे सहयोग सवाल क्यों उठ रहा है? पता श्री ने देखिए, इनके पैरों के नीचे से ना जमीन खिसक गई है कांग्रेस वालों के, क्योंकि अब ये पूरा खानदान बेल पर बाहर घूम रहा है, इनको ये मालूम है इनके करप्शन के कच्चे चिट्ठे अब खुलने चालू हो गए हैं, और इसी तरह टीवी पर आकर इस तरीके की बातें करते हैं बिना लॉजिक। ठीक है, एक ब्रेक लेना, लेकिन आलोक सर पहले मैं आपसे जवाब ले लूं, टाइमिंग को लेकर इतना सवाल उठता है, मुझे जरा आप ये समझाइए कि आखिर ईडी की ये जो कार्रवाई है, क्या वाकई इस वक्त में अगर ये हो रही है तो इस पर सवाल उठाना जायज है जो विपक्ष लगातार उठा रहा है? देखिए ये मुझे तो नहीं मानता इसलिए, चूंकि अदालत के बाद उन्होंने खुद कहा कि मैं इसके पहले खुद पूछताछ के लिए हाजिर होगा, नंबर वन। दूसरा, जैसा अभी कहा, मैं वैसे रजाक साहब बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, जरा पूरी फाइलें देखें, श्रीमान मनमोहन सिंह जी की सरकार में उनके एडवाइजर ने एक अंग्रेजी अखबार में वाड्रा का कच्चा चिट्ठा छपवाया था, और उसके बाद से ही फाइलें आगे बढ़ती चली गई, फिर वो लंदन तक चली गई, हरियाणा राजस्थान से बढ़कर के, इसलिए सारी समस्या आई। ये मत कहिए ये सरकार तो नहीं किया, ये तो मैं आपके साथ देता हूं, सरकार ने देरी इसलिए किया कि भैया कोई ये ना कह दे कि अरे हम जल्दी कर रहे हैं, हमने हड़बड़ी में पकड़ के बंद कर दिया। वो प्रक्रिया और हमारी ब्यूरोक्रेसी आप भी जानते हैं, आपकी सरकारें रही है, मतलब कांग्रेस की जिसकी भी, अजाक साहब जिसका समर्थन करते हो, कितने महीनों सालों तक, आज तो तेजस्वी यादव के साथ हो गए, लालू जी और मायावती के साथ हाथ खड़ा कर रहे हैं, अरे महाराज कौन कितना ताप का धुला हुआ है, सारे इस हवा में वही हैं, इसलिए आप उनको मानिए कि आपके मनमोहन सिंह जी ने इनका कच्चा चिट्ठा खोलने की कोशिश किया था, और अब वो फिर प्रधानमंत्री राज्यसभा में आना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि भाई आपने यदि आपके सलाहकारों ने काम किया है और नहीं हो तो आप फिल्म जाकर की देख लीजिएगा। तो तीसरी बार आज रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ हो रही है, ईडी के दफ्तर में है, और 15 घंटे की पूछताछ पहले हो चुकी है दो बार, कल ब्रेक और आज फिर से ईडी ने बुलाया, और तमाम सवालों का सामना आज रॉबर्ट वाड्रा को करना होगा। इसी पर हम बड़ी बहस कर रहे हैं, हमारे साथ खास मेहमान भी है, लेकिन पहले जितेंद्र एक बार फिर से मैं आपके पास आना चाहूंगी, आज इस पूछताछ में ऐसा क्या कुछ खास हो सकता है? पहले 40 सवाल सामने रखे जा चुके हैं रॉबर्ट वाड्रा के, हालांकि ईडी ने यह भी कहा कि वो हाँ या ना में जवाब दे रहे हैं, जिससे दिक्कतें आ रही हैं। तो आज कौन कौन सी चीजें हैं जो महत्वपूर्ण हो सकती हैं, और कोई डिटेल वहां से मिल रहा है क्या आपको अभी? देखिए सीन, पहले मैं आपको ये बात साफ कर दूं कि रॉबर्ट वाड्रा से दो अलग अलग मामलों में पूछताछ होनी है। दिल्ली के अंदर जो पूछताछ हो रही है वो संजय भंडारी और मनोज अरोड़ा मामले को लेकर के हो रही है, जिससे ये पता लगा था कि विदेशों में काफी प्रॉपर्टीज है जिसके बेनिफिशियरी रॉबर्ट वाड्रा हैं, और अब तक क्योंकि संजय भंडारी खिलाफ मामला दर्ज किया जा चुका था, मनोज भंडारी खिलाफ ब्लैक मनी एक्ट जो इनकम टैक्स ने मामला दर्ज किया उसके आधार पर पीएमएलए का मामला दर्ज किया ईडी ने, उसके अंदर डिटेल्स पता लगी कि जो उसके अकाउंट में पैसा आ रहा है उससे बाहर पैसा प्रॉपर्टीज खरीदी गई है जिसके बेनिफिशियरी रॉबर्ट वाड्रा है। ये डिटेल्स विदेशों से मंगाई गई थी जिसमें काफी सारी डिटेल्स ईडी के पास आ चुकी है, और उसी के आधार पर अब आगे सवालों की फेरिस जो है रॉबर्ट वाड्रा के सामने रखी गई है, जिससे पूछा जा रहा है कि जो मनोज अरोड़ा है वो किस तरह का काम उनके लिए करता है, क्योंकि मनोज अरोड़ा सिर्फ सेक्रेटरी है रॉबर्ट वाड्रा का, लेकिन उसके अकाउंट में जिस तरह से पैसा आया है और उससे प्रॉपर्टीज खरीदी गई है, तो आखिर किस तरह का उससे काम करवाया जाता है कि इतना पैसा उनके अकाउंट में आया है? और जो जानकारी मिली है ईडी को उसके मुताबिक जो पेट्रोलियम डील और डिफेंस डील, पेट्रोलियम डील हुई थी 2009 में और डिफेंस डील हुई थी 2011 और 12 में, उस दौरान जो डील हुई थी उसका जो पैसा है काफी सारा पैसा मनोज अरोड़ा के अकाउंट में आया था, उससे प्रॉपर्टीज खरीदी गई, और ये पैसे का सोर्स क्या है, इस पैसे को किस तरह से इस्तेमाल किया गया है, मनोज अरोड़ा उनके लिए क्या क्या काम करता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो लिंक है जो जा रहा है वो सीधा रॉबर्ट वाड्रा तक जा रहा है, और उन्हीं सब और जो
विदेशों से जो डिटेल्स मंगाई गई है उसी के आधार पर अब ये पूछताछ हो रही है। एक बात मैं आपको शीर्ण ये बता दूं कि जब भी एजेंसी अपनी जांच शुरू करती है, खासतौर पर मैं अगर आपको ईडी के बारे में बताऊं, तो पीएमएलए एक्ट के तहत वो मामला दर्ज करती है, लेकिन पीएमएलए एक्ट के तहत मामला वो तभी दर्ज कर सकती है जब कोई एजेंसी, अब हालांकि इनकम टैक्स जिस तरह से ब्लैक मनी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लेती है तो उसको भी पीएमएलए के अंदर ले लिया जाता है, लेकिन अगर देश भर की कोई भी एजेंसी, पुलिस या दूसरी एजेंसी अगर कोई मामला दर्ज करती है और उसमें लगता है कि मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, शेल कंपनीज के जरिए पैसा जो है वो कहीं कहीं आगे उसको भेजा गया है, उसी के आधार पर पीएमएलए मामला दर्ज किया जाता है, उसी के आधार पर जांच की जाती है और वहीं से फिर लिंक निकल करके आते हैं कि कैसे। कई बार क्योंकि शेल कंपनी जब जो बनाई जाती है पैसे को उसको लॉन्डर करने के लिए, तो पैसा देश से बाहर भेजा जाता है, विदेश से जब डिटेल्स मंगाई जाती है उसमें वक्त लग जाता है। जिस तरह से सभी लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इतना वक्त क्यों लगा, टाइमिंग्स के ऊपर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, तो मैं उसी का जवाब देना चाहूंगा कि जब जो पैसा अक्सर जो होता है लॉन्डर होता है वो विदेशों में जाता है, वहां से जब डिटेल्स मंगाई जाती है उसी के आधार पर आगे जांच बढ़ती है, क्योंकि जब तक सबूत नहीं होंगे, जब तक डिटेल्स नहीं आएंगी, तब तक कोई भी एजेंसी उस जांच को आगे नहीं बढ़ा सकती है। अब क्योंकि काफी सारी डिटेल्स सामने आ गई है, उसी के आधार पर अब रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ की जा रही है। अब्दुल रजाक, आपने भी सुना होगा जितेंद्र शर्मा बता रहे थे हमारे सहयोगी कि किस तरीके से ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, आप लोग बार बार टाइमिंग को लेकर जो सवाल उठा रहे हैं, 2016 से ये शुरू हुआ, मेल ट्रेल, मनी ट्रेल, तमाम चीजों को इन्वेस्टिगेट करना, उसके बाद सबूत जुटाना, तो वक्त तो लगता है, अगर जल्दबाजी में करेंगे तो आप तब भी सवाल उठाएंगे कि हड़बड़ी में जांच की जा रही है। श्रीत जी, मैं पहले भी कह चुका हूं, सूर्योदय जब होता है तब आपको जागना चाहिए, सूर्यास्त पे नहीं। ये तो एक षड्यंत्र है सिर्फ रॉबर्ट वड्रा का नाम इस्तेमाल करने के लिए। फाइव स्टेट्स के इलेक्शन से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के जो इलेक्षन थे, इससे 27 दिन पहले आपको षड्यंत्र कैसे समझ आ रहा है, हरियाणा लैंड डील्स कैंपेन का नाम सामने लाया था, ये षड्यंत्र कैसे है? ईडी अगर पूछताछ के लिए बुला रही है, वो कह रही है, वो दावा कर रही है कि हमारे पास ऐसी चीजें हैं, हमारे पास मेल है, हमारे पास ऐसे सबूत है जो सीधा रॉबर्ट वड्रा तक पहुंचते हैं, तो फिर इसमें सवाल कैसे? अब्दुल रज्जाक जी, मैं आपको कहना चाहूंगा, सूर्योदय को जागरण जरूर कहते हैं, लेकिन सूर्यास्त को असर में जो जांच एजेंसी है वो नाइट शिफ्ट कहती है, तो आप इसको सेंटर भले ही कह रहे हो लेकिन इसे असल में नाइट शिफ्ट कहा जाता है कि जब वो एक्स्ट्रा काम कर रही है। नाइट शिफ्ट में क्यों है सर, मैं शिफ्ट की बात नहीं कर रहा हूं, बीजेपी की बात कर रहा हूं, मैं जांच एजेंसियों की बात कर रहा हूं, ईडी की बात कर रहे हैं, दिन रात उनके बारे में, दिन रात ये जांच करने के बाद यहां तक पहुंचे हैं। मुझे 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 अपने अब्दुल रजाक, अब्दुल रजाक खान जी, जब आपके पास कुछ तथ्य नहीं है बोलने के लिए, आप रहने दीजिए, आप मत बोलिए, क्योंकि ये गांधी परिवार की ये दलदल में आप अपने आप को मत फंसाइए मेरे भाई, पहली बात ये। दूसरी बात, आप ये जो बोल रहे हैं षड्यंत्र है, अरे हम नहीं बोल रहे, पूरा देश बोल रहा है, पूरा देश नहीं पूरा विश्व बोल रहा है। आप मुझे एक बात बताइए, जिस आदमी के पास 50 लाख रुपए हैं, सिर्फ 50 लाख रुपए, वो 2.5 साल में 300 करोड़ कैसे बन जाते हैं, ये आप मुझको बताइए। 50 लाख रुपए 2.5 साल में 300 करोड़ कैसे बन जाते हैं, 50,000-80 करोड़ कैसे बनते हैं? अच्छा, अब एक बात आप मुझको और बताइए, जब लंदन में प्रॉपर्टीज खरीदी जा रही है, ईमेल आपके जीजा जी के अकाउंट से जा रही है, वहाँ पर उनके सेक्रेटरी उन ईमेल्स को पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज वहाँ खरीद ली गई, अरे वहाँ के अखबार तक छाप रहे हैं, गांधी परिवार के दामाद ने ये सब खरीद लिया, और आप यहाँ बैठकर उनको डिफेंड कर रहे हैं। अच्छा, आपकी गलती नहीं है, बट मैं फिर भी आपको ये एडवाइस दूंगी, इस दलदल में आप क्यों घूमते हो? आपके बीजेपी नेता 600 करोड़ खर्च करते हैं। आप बार बार सूर्यास्त का जिक्र कर रहे हैं और मुझे राहुल गांधी की याद दिला रहे हैं कि वो भी बस उनकी सुई भी एक जगह अटक गई है, रफाल, आधी अधूरी जानकारी लेकर आ जाते हैं, तो क्यों ना माना जाए कि आप बचाने के लिए इस तरह की कवायद कर रहे हैं। रफाल मामले पर आधी अधूरी जानकारी लेकर कल आए, आज आप वो भी कर रहे हो, इसीलिए राहुल गांधी का आप एक बात ये देखिए, ये रफाल की बात बार बार उठाते क्यों है? क्योंकि कांग्रेस के पास अपने करप्शन से बचने का और कोई बचा ही नहीं है तरीका, रोज रोज रफाल करते हैं, जवाब दीजिए अब्दुल रजाक। अब्दुल रजाक, हो गया, अब मैं कुछ बोलूं? अब्दुल रजाक, हाँ जल्दी से। फ्रांकोई होलांडे जो फ्रांस के पूर्व प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा कि हमारी ये मजबूरी थी कि भारत का सरकार द्वारा हमको ये प्रिस्क्राइब किया गया था कि रिलायंस को ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट दें, पहली बात।
आप लोगों को जमीन भी बाहर जाके खरीदनी है, आप लोगों को बाहर के लोगों पर भी भरोसा कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था वो आप उस बात का आप जिक्र नहीं करते। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा उसकी पार्टी की बहुत ज्यादा बेइज्जती नहीं करते। मुझे नहीं लगता था कोई पार्टी उससे ज्यादा अपनी बेइज्जती करा सकती है। कल वो आधी चिट्ठी आप लोगों ने छाप कर उससे ज्यादा अपनी पार्टी की बेइज्जती करा ली है। अधूरे डॉक्यूमेंट पर अपनी बात अब्दुल रजाक कतर जैसी कंट्री खरीदती है सेम एयरक्राफ्ट। आपको कैसे मालूम है वो सेम एयरक्राफ्ट है? आपने उस एयरक्राफ्ट की डिटेल्स देखी है? उसमें क्या क्या लोडिंग हुई है आपने ये देखी है? अरे एयरफोर्स के सारे पायलट आज धन्यवाद दे रहे हैं भारत सरकार का। जिस तरीके से हमारा देश चल रहा था, जितने हमारे स्क्वाड्रन होने चाहिए थे आपकी सरकार में वो घटते चले गए। 9 साल तक आप फाइल के ऊपर बैठे रहे, आपसे निर्णय नहीं लिया गया। एक सरकार आई है जो एयरफोर्स के बारे में ले सकती है, आपसे वो सहा नहीं जाता। जल्दी से अब्दुल रजाक, फिर आलोक मेहता जी का भी रुख करना है मुझे। जल्दी से अपनी बात 20 सेकंड। रक्षा मंत्री संसद में खड़के कहती है, रक्षा मंत्री संसद में खड़के कहती है कि स्पेसिफिकेशंस में कोई चेंजेस नहीं है। 2014 में वर्कशेयर कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है एचएएल का और डसॉल्ट का। 2015 में मोदी जी आते हैं, डील कैंसिल करते हैं। अप्रैल 11 2015 में फ्रांस जाते हैं, अचानक 36 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर देते हैं। 2016 में ये डील साइन होती है और 2016 में आपके अध्यक्ष कुछ नहीं बोलते हैं। 2017 में सितंबर में आपके अध्यक्ष अमेरिका जाते हैं और वापस आके रफाल यहाँ पर चिल्लाना चालू कर देते हैं। आप मुझे बताइए किससे मिलकर आए? जैसे कैलाश यात्रा पे गए थे, किस चीनी से मिलकर आए थे, की यात्रा में किससे मिलकर आए? आप मुझको ये बात बताइए। ठीक है, हो गया आप लोगों का आरोप। अपने घर में घिरी हुई दिखाई दे रही है क्या कांग्रेस? इसीलिए बार बार रफाल और जांच के जरिए परेशान किया जा रहा है। सिर्फ एक ही जवाब, देखिए इसमें कोई ये महीनों से आदमी ये केस चल रहा था और उसके बाद जिस तरह से आगे बढ़ता गया है, एक मामला नहीं है। चाहे रफेल का मामला भी आप लें, यदि एक विदेशी कंपनी का भारतीय कंपनी से, लेकिन वो भूल रहे हैं कि जब उनकी सरकार थी, मैंने कांग्रेस की, डॉक्टर मनमोहन सिंह और गांधी परिवार जिसको कहते थे पार्टी के अध्यक्ष थे, उस समय भी किनको मिला? 2G के मामले में जरा फाइल उठा करके देती है, क्या इसी कंपनी का नाम उसमें नहीं आ रहा था? मेट्रो के ठेके किसने दिए थे? जब तक हमारे लिए ठीक है। और फिर दूसरा, इसमें कितनी विदेशी कंपनियां भी जो प्रतियोगिता में थी, कल ये तथ्य भी सामने आया, प्रधानमंत्री ने भी कहा कई विदेशी कंपनियां जो कॉम्पिटिटर हैं वो भी आपको लॉबी में काम करके इन्हीं लोगों, यही तो रॉबर्ट वड्रा पर केस आ रहा है। रक्षा घोष, देखिए राफेल कोई भूल जाइए, इसके पहले जो हुआ अगस्ता वेस्टलैंड वाले मामले हैं, दूसरे मामले हैं, रक्षा सौदों में किस तरह से दलाली का खेल चलता था। जरूरी नहीं है कि रॉबर्ट वड्रा का उस, लेकिन उनके जो लोग हैं, यदि उनका पैसा कहीं इनकी कंपनी में ट्रांसफर तो हुआ है, यदि वो लोग दलाली में लगे थे, आज यही तो प्रमाणित हो रहा है। देखिए वो लोग अभी भी कटघरे हिरासत में हैं और अभी भी अदालत उनको नहीं छोड़ रही है, बार बार उनकी जमानत रद्द हो रही है। इसलिए ये मत है रक्षा सौदे में करोड़ों की जो दलाली ली गई है, ये मामला उससे जुड़ा हुआ है। हरियाणा और राजस्थान तो छोटा छोटा कुछ करोड़ का मामला होगा, ये हजारों करोड़ का मामला है। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि एजेंसियों के जरिए डराया जा रहा है। चारू प्रज्ञा, एक और आरोप विपक्ष की तरफ से, खासतौर से कांग्रेस का मैं जिक्र करूंगी कि प्रियंका की एंट्री हुई है इसीलिए जांच में फंसाने की कोशिश की जा रही है, प्रियंका को डेंट करने की कोशिश की जा रही है, ये आरोप आप पर लग रहा है? नहीं श्रीन, ये तो इससे ज्यादा तो बिना तथ्य की ये बात ये लोग कर ही नहीं सकते। देखिए आप कांग्रेस का एक पैटर्न देखिए, हम यहां पर बात एक पूछताछ की कर रहे हैं, ये रफाइल पर चले जाते हैं, कल हम लोग बात किसी और पर करेंगे, ये फिर रफाइल पर चले जाते हैं। इनका चाहिए ऑगस्टा वेस्टलैंड का स्कैम हो, चाहे इनका बोफोर्स का स्कैम हो, चाहे इनके वाड्रा के सारे कच्चे चिट्ठे हो, चाहे इन लोगों की ड्विंडलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो देश में, क्योंकि प्रियंका गांधी को भी इन्होंने उतार कर ये साबित कर दिया कि राहुल गांधी अकेले नहीं थे, उनके नाम से कांग्रेस पार्टी चल नहीं पा रही थी। लेकिन कल राहुल ये भी कह रहे थे, कल ये भी कह रहे थे षड्यंत्र जांच कराना चाह रहे हैं, इसकी जांच करानी करा लीजिए। लेकिन रफाल पर तो कम से कम हमारी नहीं, और श्रीन आप एक सर भी आलोक मेहता भी कह रहे थे कि आप रफाल को लेकर भी कांग्रेस के किसी समर्थक को ये हजम ही नहीं होता कि एक साफ डिफेंस की डील हो भी सकती है इस देश में। इन्होंने कभी देखा ही नहीं ऐसे होते हुए, डीएनए में खराबी है। आप ये देखिए इनके समय पर जितनी डिफेंस की डील हुई है, चक्के घोटाले निकल कर आए हैं, अब इनको ये लग रहा है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हो गई, अब हम इसमें कैसे उंगली उठाएं? भाई सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी, इन्हें परेशानी है, हमारे वित्त मंत्री ने समझा दिया इन्हें परेशानी है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने समझा दिया इन्हें परेशानी है। आरोप प्रत्यारोप तो होंगे आप
ऊपर भी लग रहे हैं, ऊपर भी लग रहे हैं, दोनों एक दूसरे पे लगा रहे हैं, लेकिन ईडी अपना काम कर रही है और ईडी ने आज तीसरी बार बुलाया है। अब देखना होगा कि आज की पूछताछ जो है वो कितनी कारगर होती है और इसमें क्या कुछ निकल कर आता है और रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें आने वाले वक्त में कितनी बढ़ सकती हैं, क्योंकि बीकानेर लैंड डील मामले में भी पूछताछ होनी है। उन्होंने अपनी माँ के साथ बुलाया है ईडी ने।